मेरा 22 साल का बेटा मरया, एक आदमी पे मेरा बच्चा नहीं मरया, कम से कम 5-4 ने मरया। पतरांगे एक बाल्टी तो खून पड़ी थी, ओड़ा एक बाल्टी। आदमी भी मेरा ओए, बेटा भी मेरा 2 साल भी नहीं हुए मेरे आदमी ने मरे ना। 3-4 महीने 11वें महीने 23 तारीख में मरेगा। मैं खड़ा जाऊंगी, मैं किस पर भरोसा करूँ? हम कर रहा हूँ बस भी ना सजा दुआ तू हम नहीं देंगे तेरे पौना चाहिए मैंने मैं खड़ा है किस मोड़ पर है तू सजा दुआ जिसने भी करा नहीं को हाँ दोषी को दोषी ने मैं बख्शूंगी नहीं और बिना दोषी ने बसाऊंगी नहीं ना हम ना किसी के रुपये चंदे दोषी का पैसे ना हम ना कुछ हाँ जो दोषी है जो दोषी है नहीं दोषी ना सजा मिलेगी बिना दोषी ना बसवाऊंगी नहीं भगवान के मेरा कड़क उस तरह डर लग गया हम उस तरह डर करें उस तरह डर करेंगे हाँ जो दोषी होगा वो ना नहीं बख्शूंगी दोषी ने बिल्कुल भी बिना दोष करे सच्चाई बता दो भाई मार पाई हो गया फिर भी मेरा देखो मेरे तो सच्चाई बतानी चाहिए किस बात पर रोला या क्या मेरे बेटे ने बिगाड़ है क्या मेरे बेटे ने करा ना और बिना रोले थोड़ी मार सका ऐसे कोई नहीं एक बाल्टी पड़ी हुई है मेरे बेटे की खून की एक बाल्टी एक बाल्टी 7 दिन मरे अभी देखे न्यू काबू में नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम पानीपत के सेक्टर 29 के पुलिस थाने से आप लोगों के सामने आए हैं। मामला मैं आप लोगों को बता दूं, 30 सितंबर को लगभग रात के 11 बजे हुए थे और मृतक मुकेश जो कि विकास नगर का रहने वाला था वो अपने घर की तरफ जा रहा था और वहीं पानीपत की अनाज मंडी के पास एक चबूतरे के पास उसके दोस्तों ने उसे रोका और वहाँ पर जन्मदिन की पार्टी बनाई जा रही थी और वहाँ पर शराब पी जा रही थी और जो कहा सुनी हुई थी जो शराब को लेकर आने के ऊपर तो उसी बीच में हाथापाई हुई और हाथापाई के बाद पत्थर से उसके सिर पर चोटें मारी जिससे वह वहाँ पर घायल हो गया। और उसी समय डायल 112 की टीम आती है और उसको पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। प्राथमिक उपचार के बाद उसको पानी जय रेफर उसमें भर्ती कर दिया जाता है और उसके बाद 6 सितंबर को उपचार के दौरान उसकी मौत हो जाती है और परिवार उसके बाद जो आरोपी हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाता है। और आज परिवार जो पुलिस थाने में भी पहुंचा, SHO से भी बातचीत की, तो अभी हम परिवार वालों से भी बातचीत करेंगे वो क्या कुछ कहते हैं और फिर SHO से भी हम बातचीत करेंगे उनका क्या कुछ कहना है। नाम बता दो दोस्त। कमल नाम। अच्छा, में क्यों आए हो, क्या दिक्कत हुई? जी भाई, 30 तारीख को काम पे गया था और रात को वापस नहीं आया। वहाँ हमने सोचा रुक गया होगा, तो सुबह पता लगा कि वो वहाँ पर भी शुद्ध पड़ा है। जब हमने पूछताछ करी तो पता लगे कि यहाँ जन्मदिन में था, वो जन्मदिन मना रहे थे। वो कौन सी जगह? अनाज मंडी गेट के चबूतरे पे, तो वहाँ जन्मदिन मना रहे थे। तो पता लगा कि जन्मदिन मना रहे थे, फिर उनकी कुछ कया सुनी होगी, फिर उस पर उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ कुछ। तो फिर हमने उसको ज़्यादा सीरियस था तो रोहतक PGI रेफर कर दिया पानीपत सरकारी हॉस्पिटल से। तो वहाँ 6 दिन जिया जी, वो 6 तारीख को उसकी डेथ होगी। तो अब यहाँ कंप्लेंट दी थी तो उसी के लिए यहाँ आए थे। क्या कंप्लेंट दी आपने? कंप्लेंट दी जी, वो जन्मदिन में गया था तो वहाँ पर मतलब घायल मिले हमको सुबह, ठीक है। और आस पड़ोस के वहाँ जो भी थे वो बता रहे हैं कि उन्होंने जन्मदिन वालों ने मारे। आप वहाँ पर इन्होंने कोई गिरफ्तार किया, पुलिस वालों ने प्रशासन से ही मांगा कि हमको न्याय दिवा जाए। क्या कुछ मारपीट किस चीज से की है? पत्थर से मारपीट की जी, कम से कम 10-10, 15-15 किलो के पत्थर उसके सर पे मारे हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा ही मतलब सीरियस हो गया था और उसकी डेथ हो गई। कोई कोई सास जी रहा था। शक तो जी यही जो जन्मदिन में थे उनके ऊपर ही है, जो जन्मदिन में आ रहे थे, जो जन्मदिन मना रहे थे उन्होंने किया है, क्योंकि वहाँ आसपास भी पता गया था तो वहीं वो पड़ा मिला है जहाँ वो जब दारू पी रहे थे। वो तो आ रहा था, उसको आज मारी, अगर भाई मारे लिए पानी लेके आया, वो पानी भी लेके आया बोल रहे हैं वहाँ पर, वो मतलब सारा सामान लेके आया, फिर उसको भी बिठा लिया यही, मतलब लोकल बंदे थे यही विकास नगर के, उसके जानकार। कोई रंजिश ये इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते सर, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेरा नाम निर्मला, विकास नगर गली नंबर 13। क्या हुआ था? मेरा बच्चा सवेरे काम पर गया था, जो शाम ना आया मेरा बच्चा, कोई 11:15 का टाइम था, तो बच्चे कुछ पार्टी मना रहे थे, जन्मदिन था उसका, जो लड़के का जन्मदिन था उसका नाम था
लड़के का जन्मदिन था, उसने मनीम कमा पर वो उसका जन्मदिन था, तो मेरा बच्चा भी बुला लिया उनने, अकाजम उन्होंने तो भी मेरा बच्चा वहाँ पर बिठा लिया। बिठाने के बाद मेरे बच्चे पता पानी भी मंगवाया, नमकीन भी मंगवाई, खाया पिया उनने, खाया पिए का नहीं बोले मेरे पीछे दारू आई, मेरे पीछे दारू आई, उनकी इतनी कहने पर लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद मेरा बच्चा जान से मर दिया, पत्थर मार मार के, एक बाल्टी तो खून की पड़ी थी चपोतरे पर। मैं प्रशासन से आए दुआ करा भाई मारे बच्चे का न्याय मिलना चाहिए, मेरा तो आदमी भी होए था, बच्चा भी होए था, 28 साल का मेरा बेटा था, 2 साल मेरे आदमी ने नहीं गुजरे ना होए, 2 महीने कम है आदमी मरे ने भी, मैं किसका गला लागूंगी यूँ बताओ है। मैं प्रशासन से आए दुआ करूँ भी मेरे बच्चे का, मेरे बच्चे की मंडी में मंडी मौत हुई रोहतक PGI में, मैं एम्बुलेंस हाँ शादीशुदा था, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस पुलिस आई, मेरे बच्चे भेजे घर, आदमी आए बुलाने, बोले तेरा बच्चा चबूतरे मार के घेर क्या, मैं जाने लगी, मेरे बेटा बोले मैं जाऊँ मम्मी, तो बाद में आइए किराएदार ने लेकर गया, देखा जाएगा मुँह में कपड़ा सूट रखा और बच्चे का पत्थर पत्थर बजाय रखे, एक बाल्टी खून की पड़ी वहाँ पर, मेरे पर देखे नहीं गया वहाँ, फिर एम्बुलेंस लाई मेरे लड़के ने, पुलिस आई 11-12 वाली नंबर वाली, तो बच्चे ने लेकर गए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में तो रेफर कर दिया, रोहतक रोहतक मेरा बच्चा न्यू थड़प थड़प का ऐसे जान दई है, 6 तारीख ने जान दई, 31 न मेरे लड़के ने लेकर गए, 30 तारीख न मेरे लड़के के साथ मार पीटी करी, 11:30 में मार पीट चली, 11:53 पर मेरे बच्चे को ख़त्म कर दिया, ख़त्म करे कर इन्हें ले गए थे जी, कोई आस नहीं थी कि बच्चे का कोई कोई सांस था मेरे बच्चे में। आज एसएचओ साहब से मिलने आए हो क्या? आज एसएचओ साहब से मिलने आए हैं, उसके पास से यही बोल रहे भाई मारे जो हथियार है मेरे बच्चे को उन्हें सजा दे ही जावे, न्याय मांगू प्रशासन से, हाथ जोड़ का विनती है बस मेरी, तो यही है दुआ भाई, नहीं फिर आगे भी कोई रास्ता फिर जो नहीं प्रशासन तो मेरे बच्चे को कोई न्याय मिल देगा तो फिर आगे भी कोई रास्ता देखना पड़ेगा, तो मजबूरी है मेरी, मेरा बच्चा मर रहा तो मेरी तो मजबूरी है, जाना पड़ेगा मन नो, देखो मेरा तो बच्चा भी होए था, आदमी भी होए था, सुबेरी जाता काम करके लकड़ तार के गाड़ी लोडिंग का काम करे करता तार का, 2 पीसे मेरे तो देवता मैं अपना रोटी का गुजारा कर रही थी। ठीक, तो इस मामले में सेक्टर 29 थाने के इंचार्ज मंजीत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक विकास नगर के रहने वाले युवक की पत्थरों से मार करके हत्या का मामला सामने आया है, आरोप ऐसा परिजनों के द्वारा लगाया गया है, क्या आपके पास शिकायत हुई है, FIR दर्ज हुई या कहां तक जांच पहुंची? 30 तारीख को यह अनाज मंडी में किसी मुनीम नाम के लड़के का बर्थडे मना रहे थे बच्चे, और उसके बाद जिसमें मृतक है मोनू, उसको सुबह बेसुध हालत में मिला है, उसके भाई ने मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे भाई को जो बर्थडे पार्टी में थे मुनीम वगैरह उसके 5-7 साथी उनने चोटें मारी हैं, और 6 तारीख को फिर वो दौरान इलाज PGI में उसकी मौत हो गई, उसके बाद 302 सेक्शन ऐड कर ली गई है और जांच जारी है। हाँ, पूछताछ कर रहे हैं जिनके नाम संदिग्ध में जो जिसके नाम आए उनसे पूछताछ कर रहे हैं। हाँ, परिजन भी मिले थे, उनको भी बताया था, उनको भी समझाया था। हाँ, जल्दी ही करेंगे। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पल पल के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें मनीष कुमार पानीपत से।